आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते सवालों की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है महाकाल जी का। हाय, वो बोल रहे हैं कि कंफर्ट पहले डालने से उसकी फ्रेग्रेंस कपड़ों में रहेगी। तो मैंने एक देखिए कंफर्ट एक आपको कपड़ों के ऊपर डायरेक्टली नहीं डालना है, एक कंपार्टमेंट अलग से उसके लिए आता है जहाँ पे आपको कंफर्ट डालना होता है, और जब मशीन की को जरूरत होती है कंफर्ट की तभी वो लेती है, जब उसको लेना चाहिए तभी जो परफेक्ट टाइमिंग होता है ना तभी मशीन जो है कंफर्ट को लेती है उस कंपार्टमेंट से। तो डेफिनेटली यस, कंफर्ट की जो फ्रेग्रेंस है वो कपड़ों में रहती है। नेक्स्ट है नितिन नायक। हाय, वो बोल रहे हैं कि प्लीज सेंड टेलीफोन नंबर और एड्रेस टू बाय द सोफा कम बेड। आई डोंट हैव एनी टेलीफोन नंबर और एड्रेस मैं आपको बता दूंगी कि आप उल्लासनगर फर्नीचर मार्केट में जाओगे, वहाँ पे फर्नीचर मार्केट बहुत बड़ा फर्नीचर मार्केट है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी शोरूम्स में आपको सिमिलर काइंड ऑफ सोफा कम बेड देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। फर्नीचर मार्केट में आप जैसे जाओगे वहाँ पे आपको अपने आप सब पता चल जाएगा, बहुत सारे आपको शोरूम्स दिखेंगे, वैरायटी ऑफ फर्नीचर्स दिखेंगे जहाँ पे ऐसे सोफा कम बेड भी मिलते हैं। नेक्स्ट है जग्गू। हाय, वो बोल रहे हैं कि वेयर टू ऐड सॉफ्टनर कहाँ पे ऐड करते हैं वॉशिंग मशीन में, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, प्लीज मेरे वीडियोस में जाके चेकआउट कर लीजिए, बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वहाँ पे। नेक्स्ट है रिमशा सिन्हा। हाय रिमशा, वो बोल रहे हैं कि बच्चों के हाथों पे भी कोलगेट यूज कर सकते हैं क्या? तो मैंने आपको मेरे हाथों पे कोलगेट अप्लाई करके बताया था, डिफरेंस दोनों हाथों में बताया था कि कितना डिफरेंस है क्लीन जब करते हो, कि बच्चों की जो स्किन होती है ना वो डेलिकेट होती है, तो इसके लिए कोलगेट को आप बच्चों की स्किन में अप्लाई ना करें। बच्चे की एज अगर 15 साल के ऊपर है तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं हाथों पर, चेहरे पे नहीं। नेक्स्ट है शालिनी। हाय शालिनी, वो बोल रहे हैं कि आई अप्लाइड एलोवेरा होम मेड शैम्पू, इट्स रियली अमेजिंग, माई हेयर इज नाउ सॉफ्ट एंड सिल्की, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच शालिनी एंड रिमशा, दोनों को भी आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, और ईच एंड एवरी वीडियो में मैं आप लोगों के कॉमेंट्स देखती हूँ, मुझे बहुत दिल से बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हो, जो मैं टिप्स बताती हूँ उसे ट्राई करते हो और फीडबैक भी शेयर करते हो, मुझे बहुत दिल से बहुत अच्छा लगता है, और मुझे बहुत ऐसे मोटिवेशन मिलती है, और मैं अच्छी अच्छी जो बहुत सारे ऐसे और भी सब्सक्राइबर्स हैं जो रेगुलरली वीडियोस वॉच करते हैं, तो सभी के नाम तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो मेरे रेगुलर जो व्यूवर्स हैं उनको मैं हमेशा रिप्लाई करती ही करती हूँ। और थैंक यू सो मच आप लोगों को, इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स आप लोग करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है सोनू स्वीट। हाय, वो बोल रहे हैं कि विच DIY स्प्रे प्लीज टेल मैम। DIY स्प्रे आई विल डेफिनेटली गिव यू द वीडियो लिंक, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा DIY स्प्रे है, अगर आप लोगों को नहीं मिलता ना तो आप लोग ऐसे जाके चेक कर सकते हो, DIY क्लीनर बाय एमी क्रेजी तड़का, ऐसे अगर कुछ भी वीडियो आपको सर्च करना है, सैमसंग वॉशिंग मशीन डेमो बाय एमी क्रेजी तड़का, तो ऐसे अगर आपको सर्च करोगे तो जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा, अगर नहीं तो मैं आपको तो लिंक दे ही दूंगी सोनू जी, मैं डेफिनेटली आपको लिंक दे दूंगी। नेक्स्ट है अर्पिता शुक्ला। हाय, वो बोल रहे हैं कि रियली योर वीडियोज आर प्रूफ ऑफ योर हार्ड वर्क, कीप अप द गुड वर्क, योर ऑल वीडियोज आर सुपर, थैंक यू सो मच अर्पिता, रियली मीन्स अ लॉट टू मी, अच्छा लगता है आप लोग ऐसे कॉमेंट करते हो तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलती है, थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट है कौंद्रा। हाय, वो बोल रहे हैं कि थैंक यू फॉर योर वीडियो, आई एम नॉट एबल टू स्पिन बिफोर योर वीडियो बट आफ्टर आई लर्न हाउ टू यूज इट दैट मेड माई वर्क ईजी, आई एम रियली ग्लैड कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, यूजफुल रहा आपके लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। नेक्स्ट है सुरभि। हाय, वो बोल रहे हैं कि मैम सेम यही मशीन मेरे पास है पर ये मशीन कपड़े क्लीन करने में 2 घंटे लगा देती है, ऐसा क्यों हो रहा है? सुरभि जी आप चेक कीजिए, आपने आप शायद मोड साइकिल जो है ना वो चेक नहीं कर रहे हैं, आप चेक कीजिए साइकिल किस मोड इस पे है, फंक्शन कर रहा है, यानी कि नॉर्मल मोड पे है या डेलिकेट मोड पे है या सो प्लस नॉर्मल मोड पे है या ब्लैंकेट मोड पे है, तो ऐसे बहुत सारे मोड्स है, वो बाय डिफॉल्ट आपका कुछ ऑप्शन सिलेक्ट हो चुका होगा, शायद ब्लैंकेट मोड में इतना जो है टाइम लेता, इतना टाइम उसमें भी नहीं लेता है, लेकिन हो सकता है कोई और कोई मोड आपने सिलेक्ट करके रख दिया हो, आपको ध्यान में नहीं रहा उसको चेंज करने के लिए, तो चेंज इट टू नॉर्मल और जो क्विक मोड होता है उसे भी आप रख सकते हो अपने डेली के कपड़ों को वॉश करने के लिए।
आप साइकिल को जरूर चेकआउट कर लीजिए, उसको शायद आपने चेकआउट नहीं किया होगा। नेक्स्ट है दामोदर हाई, वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द यूज इफ वी हैव टू वॉश बिफोर। डिशवॉशर में जब भी आप टफ स्टेन वाले जो बर्तन होते हैं ना, जैसे चाय के बर्तन हो, चाय जो हम पकाते हैं, इंडियंस चाय ज्यादा पीते हैं, और जैसे दूध का टोपी हो गया, दूध का टोपी तो वैसे भी ज्यादा उसको स्क्रब करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे भी निकल जाएगा, लेकिन चाय का डेफिनेटली यस, आपको पहले स्क्रब करने की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद आप अपलोड करोगे डिशवॉशर में। सी यूज मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं खुद यूज कर रही हूँ उसको रोज, और मैं मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। इट्स वंडरफुल, टाइम सेविंग जहाँ पे बात आती है तो मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। टाइम बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, एक एक मिनट मैं कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ प्लस घर संभालती हूँ प्लस यूट्यूबिंग करती हूँ, तो एक एक मिनट का वैल्यू है ना, मुझे पता है। ऐसे ही कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है, तो हर किसी को, हाउस वाइफ हो या हर किसी को, टाइम का इम्पोर्टेंट वैल्यू जब उनको पता होता ना, तो वो कभी जिंदगी में पीछे नहीं रहते हैं। तो टाइम इज मनी, ऐसे जो है मोर, जो ये प्रॉब्लम है ना, टाइम इज मनी, इट्स रियली यू नो ट्रू। तो डेफिनेटली यस, वॉश आपको सभी बर्तनों को करना नहीं है, आपको सिर्फ चाय के बर्तन को, मैंने कहा था कि आपको स्क्रब पहले करना है, क्योंकि टफेस्ट स्टेन जो होता है वो चाय का ही बर्तन होता है। बाकी जो भी बर्तन हो आप ऐसे ही डिशवॉशर में अपलोड कर सकते हो, उसको स्क्रबिंग करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा दामोदर जी, एंड आई एम श्योर कि आप दूसरों को मिसगाइड नहीं करेंगे। व्हाट इज डिशवॉशर का जो यूज है ना, वो बहुत ज्यादा है हमारे, हम इंडियंस जो है उसको बहुत लेट से समझ रहे हैं, लेकिन समझ जरूर रहे, उसके लिए अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग समझ जरूर रहे हैं कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो बहुत ज्यादा टाइम सेविंग आपका कर देगा, आपका मैनुअल जो आप इतना सारा बर्तन धोते हैं, पानी इतना सारा वेस्ट होता है, और हमारा हम मैनुअली उसको वॉश करते हैं, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, तो ये सब जो है डिशवॉशर कम पानी लेता है और कम एनर्जी सेविंग हमारी होती है, प्लस आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है, बहुत सारी चीज़ें आप सेव कर पाते हो एक डिशवॉशर की मदद से। किसी घर में अगर मेड है तो यू नो मेड पे डिपेंड होने की भी आपको जरूरत नहीं है, बर्तन धोने के लिए नेक्स्ट डे तक जमा करने की भी जरूरत नहीं। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है डिशवॉशर के, मैं गिनाती बैठूंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से डिशवॉशर वैल्यू फॉर मनी है, और जो जितना वैल्यू फॉर मनी है उससे ज्यादा ही वो हमें दे रहा है, ठीक है, इतना ही मैं बोलूंगी डिशवॉशर के लिए। नेक्स्ट है मुकेश मिस्त्री हाई, वो बोल रहे हैं कि मैम मेरा वॉशिंग मशीन 6.5 kg सैमसंग वूबल का है और उसमें ब्लैंकेट की जगह एनर्जी सेविंग लिखा है, तो मुझे ब्लैंकेट धोना है तो मैं कौन सा बटन दबाऊं? अगर आपके मशीन में ब्लैंकेट मोड नहीं है तो आप डेलिकेट मोड पे ब्लैंकेट को वॉश कर सकते हैं। बहुत लोगों की ये थिंकिंग मतलब होती है कि ब्लैंकेट मोड नहीं है तो क्या करें, ब्लैंकेट मोड नहीं है तो कोई बात नहीं, हम डेलिकेट मोड पे भी धो सकते हैं। आई एम श्योर आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा अब तक। नेक्स्ट है सिमरन सिद्दीकी, हाय सिमरन, वो बोल रहे हैं कि मेरी मशीन में धोने के बाद कचरा कपड़ों पर ही चिपक रहा है, क्या गलती हो रही है प्लीज बताइए, मशीन अभी ली हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, प्लीज रिप्लाई कीजिए, प्लीज हेल्प कीजिए। सिमरन जी, जैसे मैं समझ रही हूँ मुझे जो डाउट है कि आपके कपड़ों पे कचरा नहीं अटक रहा होगा, आपके कपड़ों पे ऐसा किसी कपड़े के रेशे लग रहे होंगे ना, जैसे कोई कपड़े के रेशे बहुत ज्यादा निकलते हैं, जैसे कोई टॉवेल ही हो गया या फिर कुछ ऐसा कपड़ा जिसके रेशे निकलते हैं, वो रेशे वाला कपड़ा आप देखिए, आप बिल्कुल भी दूसरे कपड़ों के साथ में ना डालें, उसके ही जो रेशे हैं वो कपड़ों पे चिपकते हैं, ये मशीन में नहीं, आप कोई भी मशीन में डालोगे तो ऐसे ही होगा। तो आप वो कपड़ा देखिए कि किसके रेशे आपके कपड़ों पे अटक रहे हैं, वो कचरा नहीं होता, वो शायद आपको रेशे कहना है, तो रेशे आप देखिए, वो कपड़ा आप बिल्कुल भी मिक्स ना करें दूसरे कपड़ों के साथ में, वरना वो सभी के कपड़ों पे वो रेशे रेशे वाले वो आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कौन से कपड़ा है, उसको अवॉइड कीजिएगा, साथ में नहीं डालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेतना हाय, वो बोल रहे हैं कि कॉस्ट मेंशन नहीं है, 2 BHK रूम टूर किया था मैंने तलोजा का, उसका कॉस्ट है अराउंड 45 lakhs, ओके मिनिमम वहां से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है आदित्य राणा, हाय आदित्य, वो बोल रहे हैं कि कोलगेट फेस पर लगा सकते हैं क्या, कोलगेट को आप फेस पे ना लगाएं क्योंकि फेस की जो स्किन होती है वो डेलिकेट होती है, तो कोलगेट को आप फेस पे ना लगाएं, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही सवाल दोस्तों, आपके मन में भी अगर कोई सवाल हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि मैं एवरी संडे आपके सवालों का जवाब लेके आती रहती हूँ। एक और चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, जो भी मॉडर्न होम अप्लायंस के रिव्यूज मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ आपके साथ में, उनके बेस्ट बाइंग लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ ताकि आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े और जो भी चीज आप खरीदना चाहो अच्छे डिस्काउंट में आप खरीद पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के साथ, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।